आज हम आपको निमोनिया बीमारी पर आधारित एक सच्ची घटना प्रस्तुत कर रहे हैं। अरे इसे क्या हुआ है, इतना क्यों रो रहा है? क्या बताऊं जी, आज सुबह से इसे खूब खांसी आ रही है और अब तो पंजरा मारने की वजह से इसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। अरे तो काहे चिंता कर रही हो, उसकी गर्दन और छाती पर कपूर और राई का तेल मल दो, मुन्ने को आराम मिल जाएगा। दादाजी की सलाह को मानते हुए मुन्ने के दादी ने गरम राई का तेल और कपूर उसके गर्दन और छाती पर मल दिया। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। इसकी हालत तो और भी बिगड़ती जा रही है, मुझे घबराहट हो रही है। एक भी घरेलू नुस्खे से मुन्ने को फायदा नहीं मिल रहा है। ऐसा करो, इसे हम डॉक्टर के पास ले चलते हैं। पर हमारे गांव के डॉक्टर साहब तो शहर गए हैं। कोई बात नहीं, पास के गांव में एक डॉक्टर से मेरी पहचान है, वही ले चलते हैं। दूसरे दिन सुबह मुन्ने के दादा दादी और माँ उसे दूसरे गांव ले गए। हाँ बोलिए, क्या बात है? डॉक्टर साहब, पिछले डेढ़ दिन से मुन्ना बहुत रो रहा है, इसकी खांसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, पंजरा भी मार रहा है, कोई घबराने वाली बात तो नहीं? अरे चिंता की कोई बात नहीं है, मामूली खांसी है, वैसे भी ठंड के मौसम में ये सब तो होते ही रहता है। आप एक काम कीजिए, ये मैं दवाइयां दे रहा हूँ, आपका मुन्ना जल्दी ही ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर की सलाह से संतुष्ट होकर सभी लोग घर लौट गए। आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने थोड़ी फसल धनी राम को बेच दी, वही पैसे मेरे पास थे। बस इन दवाई से मेरा लाडला ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, दवाइयां दी कि नहीं? दे दी माँ जी, यह दवाई तो काम नहीं कर रही है, बच्चे की तबीयत और बिगड़ती जा रही है, किसी अस्पताल या दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मुखिया कह रहे थे कि पास के दूसरे गांव में एक अच्छा डॉक्टर है, कल वहां ले चलते हैं इसे। दूसरी सुबह मुन्ने के दादा दादी मुन्ने को लेकर एक और दूसरे गांव के लिए रवाना हुए, पर दवाखाना बंद था और इससे उन्हें बहुत निराशा हुई। मुन्ने की दादी से मुन्ने की बिगड़ती हालत देखी नहीं गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। तुम क्यों रो रही हो, मुन्ना ठीक हो जाएगा। रोऊं नहीं तो क्या करूं, अब इसकी तकलीफ और नहीं देखी जाती, डॉक्टर साहब की दवाई भी काम नहीं आई और अब ये दूसरा डॉक्टर भी नहीं है। नमस्ते ताऊसा, आप यहाँ कैसे, सब ठीक तो है? नहीं बेटा, क्या बताऊं, पिछले चार दिन से बच्चे को खांसी हो रही है और पंजरा भी मार रहा है, कोई दवा काम नहीं कर रही है बेटा, अब इसे ले जाए तो कहाँ ले जाए। ताऊसा, आप इसे पास के मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं ले जाते, वहाँ इसका ठीक से इलाज हो जाएगा और जांच भी हो जाएगी कि मुन्ने को खांसी क्यों हो रही है। नहीं उमेश, मेरे साले की एक बच्चे की मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गई थी, मैं अपने मुन्ने को मेडिकल कॉलेज हरगिज नहीं ले जाऊंगा। ताऊसा, मेडिकल कॉलेज में सफाई और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी जिसकी मुन्ने को जरूरत है, और कौन जाने ये बीमारी गंभीर भी हो सकती है, वो मुन्ने की सही तरीके से जांच करेंगे, हो सकता है हमें इसे अस्पताल में भी दाखिल करना पड़े। मुझ पर भरोसा कीजिए, आपके मुन्ने को वही ठीक कर सकते हैं। चलो जी, वैसे भी इसे अच्छे इलाज की जरूरत है। बहुत समझाने पर मुन्ने के दादाजी उसे मेडिकल कॉलेज ले जाने के लिए तैयार हुए। नर्स, इसे फौरन ऑक्सीजन मास्क लगाओ और ग्लूकोज ले आओ। जी सर। इस बच्चे को निमोनिया हुआ है, इसका तुरंत एक्सरे करवाना पड़ेगा, हमने ग्लूकोज चढ़ा दिया है, कुछ इंजेक्शंस और दवाइयां लानी होगी। जी, वो हमारे पास पैसे, मैंने धनी राम से और पैसे ले लिए थे, अब आप जल्द से जल्द मुन्ने को ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब, बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। बच्चे का इलाज तो जारी है, अच्छा हुआ आप वक्त पर यहाँ आ गए, फिकर मत कीजिए, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा और फिर आपकी गोद में खिलखिलाकर हंसेगा। हर बीतते हुए दिन के साथ
मुन्ने की सेहत में सुधार नजर आया। निमोनिया से बच्चों की मौत अब हमें मंजूर नहीं, एक साथ लड़ेंगे हम, अब हम कमजोर नहीं।